मैं ना एक छोटा सा गिव अवे रखूंगा, काफी सुंदर लग रहा है ना। जो डरता वही हो गया। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं गिरूं, मतलब मुझे नुकसान हो। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वाली राइड पर। 7 बज गए हैं, नमाज भी पढ़ ली है हमने, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और एकदम से रेडी हम राइड पे जाने के लिए। आईज एकदम छोटे लग रहे हैं ना। की गाइस व्यू चेक करो, काफी प्यारा सीन है। ओए ए देखो कैसा खेल रहे नहीं डर नहीं लगता क्या? देखो कैसे नीचे आ रहा है। देखो गाइस मैं एक सबसे बड़ी सिचुएशन में फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वेनम को यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो घर वाले मारेंगे और बाहर स्टार्ट करूँ तो गांव वाले मारेंगे। बड़ी समस्या है ना। आज तक बने रहो, काफी खूबसूरत सा सीन आपको आज देखने मिलने वाला है, जन्नत जैसी जगह है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इसे बाहर ले जाके कॉल स्टार्ट करूँ ताकि वहाँ गाँव वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सब पैरों से धक्का मारते हुए फिलहाल अभी बाहर ले जाते हैं हम। गाइस अभी हम आ गए अपनी बाइक को ऐसे धक्के मारते हुए बाहर, यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पे करते हैं हम कॉल स्टार्ट। फिलहाल बोलने में धीरे जाएंगे, एक दो मिनट वेट करते इसका टेम्परेचर लेवल में आने तक। गाइस हो गया टेम्परेचर 45, हम नॉर्मली 40 होने तक वेट करते हैं। मोहल्ले में पहले धीरे निकलेंगे, ऑलरेडी मोहल्ले वाले परेशान होंगे बाइक के साउंड से। जो भी अपने सब्सक्राइबर होंगे यहाँ से देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे भाई ये सुबह सुबह कहाँ चला, लोग इंडिकेटर देते नहीं और ये चाचा इंडिकेटर देते हुए चला रहे। मुझे बताओ कैसा पता चलेगा कि ये कहाँ जा रहे। यहाँ पे हम थोड़ी स्पीड रख सकते हैं, यहाँ कोई इश्यू नहीं। भगाओ या नहीं ऐसा हो रहा है, ठंड क्या है, चाटो चाचा। ये हुडी की ये बीच में आ रहे एकदम से, अलग ही लेवल का सुकून लगता है मॉर्निंग में राइड के लिए निकलना। भाई ये ज्यादातर हैंड्स के लिए बनाया जाता है, अवेलेबल है अपने यहाँ, जिस किसी को भी चाहिए जल्द से जल्द ऑर्डर करो। प्राइस मुझे नहीं पता, उनसे पूछ लेना है ना, प्रमोशन भी हो गया ना उनका एक। मोहल्ले वाले ना सब मिलके अगर प्लान बनाए ना तो मुझे पकड़ के मारेंगे एक तरीके से। बोले कि सुबह सुबह भी परेशान कर रहा है तू, सोए हुए थे हम लोग, हमें जगा दिया सुबह सुबह। काफी सुंदर लग रहा है ना। काफी लोग बोलते तू अपनी कार्स के साथ ब्लॉग क्यों नहीं बनाता, तेरे पास दो कार है तू वो क्यों नहीं दिखाता। तो गाइस मुझे शो ऑफ का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मेरा जैसा मन रहता है मैं वैसे ब्लॉग्स बनाता हूँ, अपनी डेली लाइफ स्टाइल आप सबसे शेयर करता हूँ। आप लोगों को ब्लॉग में कार चाहिए तो हम वो भी करेंगे आपके लिए। गाइस गाइस अलग ही लेवल की ठंडी है, इसका क्या करूं, मुझे परेशान कर दिया है इसने, इसलिए मैं ज्यादा राइड पे हुडी पहनता नहीं। स्पीड रखने यही डर लगता है कि यहाँ के रोड में ना बीच बीच में बहुत ही खड्डे हैं। इतने कमेंट मुरूड नाथगांव कब आ रहे हो, कल ही रहे बस, जल्दी एक दो दिन में कुछ। रिसेंटली मैं परसों के दिन बाइक स्केट हो गई थी, उस बात को इतना बड़ा बना दिए कि मोइन मार्केट में शाइनिंग मार रहा था और गिर गया। क्या मिलता क्या है उन लोगों को पता नहीं, मेरे लिए उनके दिलों में कुछ भी नफरत नहीं है, उन लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत पैदा हो गई है ना भाई। पॉइंट ढूंढते एक छोटी छोटी चीज का कि मोइन को कब नुकसान पहुंचेगा, हम बात को ऐसा बना के वायरल कर देंगे कि सारे लोग हंसे उस पर। भाई मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को जो मेरे बारे में बोलना है बोलो, हाँ एक बात ध्यान में रखना आप लोग जो भी बोलते हो मुझे मालूम पड़ता है, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है बिल्कुल भी। लोग बोलते हैं भाई से घमंड आ गया, भाई एक बार आके मिल तो लो मुझसे, तब आपको पता चलेगा कि मैं रियल लाइफ में मेरी कैसा हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे एरिया से बहुत से लोग मोटो ब्लॉगर बन के निकले, जिस किसी को भी हेल्प लगेंगी ये चीज के लिए मैं उनके लिए खड़ा हूँ हमेशा के लिए। ऐसी देखो एकदम खूबसूरत सी जगह है और आगे से प्यारा सीन दिखेगा, जो मेरे स्टार्टिंग से ब्लॉग देख रहे उन्हें पता रहेगा कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। चलते हैं अभी हम आगे। मैं ना एक छोटा सा गिव अवे रखूंगा अपने एरिया के लोगों के लिए, जो भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उन्हें एक माउंट दूंगा जो कि एक फोन होल्डर के साथ आएगा, आप उससे अपनी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। कैसा देख रहे थे देखो। बाकी गाइस थोड़ी ऑफ रोडिंग हो रही है अपनी वेनम की, आज इसे पार करते ही एक खूबसूरत सी जगह आएगी, ये चेक करो गाइस, सच में एकदम सुकून सा लग रहा है भाई। इतनी ठंड में भी देखो कितना गर्म होती है, 88 टेम्परेचर चला गया, एडिटर फैन भी ऑन हो गया। बाइक ले लू क्या आगे, एक दो रील्स बना लेते हैं, होप सो यहाँ से बाइक निकल जाए फंस ना जाए, डर लगता है भाई इस जगह पर क्योंकि पूरी सैंड है ना भाई, बाइक एकदम नीचे नीचे ढसते जा रही है। ओ हो फंस ना जाए, फंस ना जाए, निकल जाए बस इजीली, ये सब चीजों में रिस्क भी बहुत रहता है, जो डरता वही हो गया। भाई निकल गई निकल गई निकल गई इजी। A few moments later. कुछ ऐसी जगह पे हम घूम हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे हो कि वेनम कहाँ पर है, भाई वेनम भी घूम चुकी है, कहाँ पर है कहाँ पर है, ये देख लो गाइस वेनम अपनी यहाँ पर है। बाकी गाइस अभी हम एक खूबसूरत सी जगह पर, आप व्यू चेक कर सकते हो, बैकग्राउंड में काफी सारे ट्रीज है। आप लोग ने एक चीज नोटिस की होगी कि मेरी हुडी रेड कलर में कैसे होगी, घर से हम निकले थे तब हुडी थी येलो कलर में, ये कलर चेंज करती है, काफी महंगी हुडी है। नहीं भाई मजाक कर रहा था। अबे साले
इस बंदे से मैंने चेंज करवाई है हुडी। समंदर ही समंदर, और ये चेक करो यहाँ पे फिशिंग हो रही है। सच में भाई बहुत मजा आता है मॉर्निंग में राइड करने के लिए एंड मॉर्निंग में ऐसा शूट पे जाने के लिए। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर से क्लिक करना ताकि आपके पास अपने नए ब्लॉग के नोटिफिकेशन आए। काफी सुंदर जगह है ना, जन्नत है भाई ये जन्नत। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे बातें फैला रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ भाई मैं मार्केट में कहाँ पर गिरा नहीं हूँ। हल्का सा बैलेंस आउट हो गया था और बाइक वन साइड आई थी, मैं कहा गिरा नहीं हूँ, इतने बातें फैलाने की जरूरत नहीं है। सभी बोल रहे हैं कि भाई बाइक की फेयरिंग टूट गई, बाइक पे स्क्रैचेस आ गए, ये टूट गया वो टूट गया। तो भाई ये चेक करो, बाइक पे एक सिंगल स्क्रैचेस भी दिखाना तो मुझे बताना। ये चीज टूट गई थी मैं मानता हूँ, इसे भी मैंने बनवा लिया है। ओ इतनी गलत अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। इसे भी मैं ये सब बातें नहीं करता, बस लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जा रही थी, बाकी बोलने का रीजन यही था मेरा। मुझे सब पता है कि वहाँ पे कौन कौन हंस रहा था, कौन कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा था, मुझे सारी बातें मालूम होती है। किसी का डायरेक्टली नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता जैसे किसी का नाम खराब हो और किसी को मतलब हेट मिले। मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग चाहते है कि मैं गिरूं, मतलब मुझे नुकसान हो। बोलने को ना भाई मेरे पास बहुत कुछ है बट मैं नहीं बोलता। इतने भी लोगों ने आज तक जो भी पीछे पीछे बात की ना सब मालूम है मुझे। खैर ये टॉपिक जाने देते हैं, बाकी गाइस ये चेक करो। अरे 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 सुबह के 9 बज गए बट अभी तक ठंडी वैसी ही है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा घर रिटर्न जाने का। आते आते एक चीज नोटिस की, मतलब देखो ऐसे लोग भी यहाँ पर है अभी, मतलब जिनके पास अभी तक घर नहीं है, इनको देख के ना अलग सा एकदम दिल में लगता है। मतलब हम तो मस्त एकदम घर में जी रहे, खा पी के मस्त रह रहे, बट इन लोगों के पास ना खाने के लिए होता है ना पीने के लिए होता है। यहाँ के टर्न्स है ना देख लो, बहुत डेंजर है यहाँ के टर्न्स। मतलब सामने वाला कौन आता है ना दिखता ही नहीं बिल्कुल। फोटो व्लॉगिंग है ना मतलब एक खेल नहीं है, इसमें कल क्या होगा कुछ पता नहीं। इतने भी भाई बहन मेरे न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। छोटी सी चीज मांग रहा हूँ आप सबसे, एक सब्सक्राइब करना है बस आपको। बहुत से लोग ब्लॉग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो लाइक भी किया करो अच्छा लगता है। गरीब लोग दिखे आपको तो ट्राई करो डोनेट करने की, अगर डोनेट ना कर पाओ तो कुछ तो उनको खाने पीने के लिए थोड़ा सा दे दो। मेरा जब भी यूट्यूब से इनकम स्टार्ट होगा मेरा जो आधा पैसा है वो मैं इन लोग में डोनेट कर दूंगा। मैं ये आप सबसे वादा करता हूँ। किसी को भी हेल्प चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में बिंदास पूछो, मैं रिप्लाई देता हूँ। डरो मत बिल्कुल, वो लोग डरते हैं कैमरे के सामने आने के लिए। डरो मत भाई मैं कुछ करता नहीं, मैं आपको खा थोड़ी ना जाऊंगा। बाकी गाइस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, सेफ रहना गाइस, सेफ राइड करना।